हमारा देश बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां पर सारी देश की जनता और दुनिया के लोग भी कोविड-19 से पीड़ित है, और खासकर हिंदुस्तान में तो बहुत जल्दी ही कोविड-19 फैल गया है। इसके लिए जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। जो सरकार बिना सोचे समझे लॉकडाउन की और करोड़ों मजदूरों को मजदूरी से दूर किया गया और बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स परेशान रहे, उनको खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अपने बच्चों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ और प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर लोग हजारों माइल चलते अपने गांव को जा रहे हैं। खासकर यूपी, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और बहुत से जगह से लोग आज ये गवर्नमेंट के गलत नीतियों के वजह से और गलत तरीके से लॉकडाउन करने के वजह से लोग परेशान हो गए हैं। और आज कम से कम 27-28% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। लास्ट फरवरी देश में इतने बेरोजगार लोग हो गए हैं और वो अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बड़ा है जो 7% से आज से कम 27-28% पे चले गया है। देश के जनता को केंद्र सरकार ने ये बताया, मोदी जी ने कहा और उनके अर्थ सचिव जो है उन्होंने भी ये कहा कि हम देश के लोगों के लिए और खासकर वर्कर्स के लिए, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उनके अच्छाई के लिए और रोजगार मिलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने घोषणा की और 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये ऐसा सबको मालूम हो गया कि ये बहुत बड़ा पैकेज है और इससे पूरे भारतवासियों को और लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, किसानों को इससे फायदा होगा, किसान श्रमिक को इसका फायदा, कृषि कामगार को इसका फायदा होगा और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को फायदा होगा, माइग्रेंट वर्कर्स को होगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा और जो पैदावार किसानों ने की है उसको भी एमएसएपी मिलेगा। एक लोगों की सोच थी, लेकिन 20 लाख करोड़ का उन्होंने जो आईने में गठड़ी दिखाई उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ उसमें 1,75,000 करोड़ ही सामान्य जनता को मिलने का उसमें प्राविधान था, वो भी जो है नरेगा जैसे योजनाओं को। और कोविड से जो आज लोग पीड़ित है उसके हेल्थ स्कीम के लिए वो थोड़ा पैसा दिया गया है, लेकिन राज्य के लोगों को कुछ नहीं मिला और जो लोग राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी उसमें कोई प्रावधान नहीं है। इस ढंग से देश को एक आर्थिक दृष्टि से उसको तंग और तबाह कर दिया है। और आज सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट का कहना ये है
कि जब तक पैसा लोगों के जेब में नहीं जाता, जब तक उनके पास कैश फ्लो नहीं होता, तब तक इकोनॉमी इम्प्रूव ही नहीं होगी और लोगों को खाने पीने के लिए भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी उनको नहीं मिलेगी। ये सारे इकोनॉमिक्स का कहना है, लेकिन उनके विचार को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, उन्होंने पहले ही कहा था जब ये 30 जनवरी को COVID-19 का जो एक सिलसिला दूसरे देशों में प्रारंभ हुआ था और हमारे पास भी उसके लक्षण आए थे, उसी वक्त हमारे नेताओं ने ये कहा कि आने वाले दिन बड़े कठिन हैं। तो फरवरी में हमारे लोग, खास करके राहुल गांधी जी, सरकार को चेतावनी दी, सरकार को सलाह दिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी अनेक सुझाव उन्होंने पेश किया, लेकिन गवर्नमेंट उस सुझाव को नकारा, उसको अनुष्ठान में लाने की कोई कोशिश उन्होंने नहीं की। हमने यही मांगा था, हमारी मांग अभी भी यही है कि हर एक वर्कर को जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, ऐसे हर फैमिली को, हर परिवार को कम से कम उनके खाते में 10,000 रुपये अब इमीडिएटली डालना चाहिए फौरन, और 7,500 रुपये हर महीना 6 महीने तक उनको दिया जाना चाहिए। और उसी ढंग से ये जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको भी कर्ज के बजाय वो डायरेक्टली कैश देना चाहिए, चेक देकर उनको पैसा देकर अगर काम करने के लिए कहे तो वो फौरन काम करते हैं। और लॉकडाउन करने से पहले कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। अगर आज जो ट्रेन छोड़ रहे हैं, आज जो बस छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोच बूझ कर बैठ कर स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं या ऑल पार्टी मीटिंग लेकर, सबकी सलाह लेकर अगर वो आगे बढ़ते तो उसका कुछ फायदा होता, लेकिन उन्होंने शुरुआत में कुछ भी नहीं किया, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। बगैर सोचे समझे ही ऐसे कदम उठाने से देश आज बड़ी बुरी हालत में है, लोग तंग और तबाह हो रहे हैं। और लॉकडाउन के वजह से, एक तो COVID-19 के वजह से मरने वाले लोग अलग हैं, लेकिन कोविड लॉकडाउन होने के बाद उसके परिणाम से आज सैकड़ों लोग रास्ते पे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो मैनमेड कैलेमिटी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलके सरकार के ऊपर दबाव डालें, और जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स का है और 10,000 रुपये कैश मजदूरों को मिलना चाहिए, या जिनका इनकम, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उन सब को ये पैसा उनके जेब में जाना चाहिए, और MSME को भी मदद करना चाहिए। किसानों के जो भी रबी क्रॉप के जो दाम गिर गए हैं, तो उसको भी सरकारी रेट पे खरीद के किसान मजदूरों को भी मदद करना चाहिए। और जो विद्यार्थी विदेश में हैं और वहाँ पर इंटर स्टेट में जो फंसे हुए हैं, उन विद्यार्थियों को, युवकों को भी अपने अपने जगह जाने के लिए, ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था करें, और माइग्रेंट वर्कर्स को भी अपने डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए जो कुछ भी जल्द से जल्द कार्रवाई करें।